टीवी दे विच एक न्यूज़ बार बार वायरल हो रही है कि 700 स्टूडेंट्स हैव बीन डिपोर्टेड फ्रॉम कैनेडा बिकॉज ऑफ द फेक डॉक्यूमेंट्स दैट वॉज प्रोवाइडेड बाय अ ट्रैवल एजेंट। सो असी हुण तक जिहड़ा मामला इहदे विच कोई कंप्लेन सानू हासिल नहीं हुई है, फिर भी असी वेरीफाई करते हैं। ये जिहड़ा ट्रैवल एजेंट है ये कम से कम 6 महीने से इहदा ऑफिस बस स्टैंड कोल हैगा, ये बंद है, बंद पिया है, इत्थे नहीं रहिंदा है, फिर भी सानू इनफॉर्मेशन मिली है हुण टीवी और न्यूज़ चैनल आ सके थ्रू कि ये इन्हें कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं जिहदे विच ना जो सारे डॉक्यूमेंट्स जो कॉलेज के जो एडमिशन सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे फेक हैं, उहदे करके 700 स्टूडेंट्स हैव बीन डिपोर्टेड फ्रॉम कैनेडा। सो वी आर स्टिल वेरीफाइंग और जदों भी सानू कोई कंप्लेन मिलेगी सो असी जो बंदी कार्रवाई वो करेंगे। वी आर स्टिल वेरीफाइंग ना, हम अभी इसको वेरीफाई कर रहे हैं और जदों भी कोई प्रूफ या ऑथेंटिकेशन विल गेट विल डू द प्रॉपर एक्शन। कि जिन्हें भी स्टूडेंट्स हैं, जनरली स्टूडेंट एस्पायर टू गो अब्रॉड फॉर स्टडी परपसेस, बट समटाइम्स उन्होंने ना कोई जो मीडिएशन वो लेते हैं, जो रास्ता वो लेते हैं, समटाइम्स दे फॉल ट्रैप टू रॉन्ग प्रैक्टिसेस। तो हो सकता है कि कोई ट्रैवल एजेंट जड़े फेक हों और जिन्हें दे विच ना जिनके कोई प्रॉपर जिन्हें कोल रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई भी कुछ इस तरह के बच्चे जो उनके हाथों पड़ जाते हैं और इस करके ना फिर उनको बाद में नुकसान हो जाता है। तो मेरी जनरल पब्लिक से भी यही अपील है कि इट्स गुड टू एस्पायर है ना, इट्स गुड टू एस्पायर टू गो अब्रॉड एंड स्टडी, बट जो भी तुसी रास्ता जे थ्रू तुसी बाहर जाना चाहते हो वो काइंडली वेरीफाई करें, एंड जो रजिस्टर्ड हमारे जो बाहर भेजने वाले जो ट्रैवल एजेंट्स हैं अगर उन्हीं के थ्रू हो, एंड जो भी अगर कोई कंप्लेन है किसी की कि जी साडे नाल धोखा हुआ है तो प्लीज़ तुसी साडे कोल आ सकते हो और असी तुहाडी कंप्लेन ते जो बनती कार्रवाई वो पक्का करेंगे। वी आर स्टिल वेरीफाइंग है ना, जो इसमें ट्रैवल एजेंट्स तो एज पर नाम कोई पर्टिकुलर नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी वट एवर वी आर गेटिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू वेरियस रिसोर्सेज की जी कोई ट्रैवल एजेंट लास्ट मंथ मैंने इनको मिला था। एक बात बताओ, ये अब यहाँ से फरार हो गए हैं, 700 स्टूडेंट जो है कनाडा उन्होंने भेजे हैं, वहाँ से उनको डिपोर्ट कर रहे हैं, इसकी आपको खबर है? नहीं, मैं तो अभी ऑफिस में आया था, मैं तो इनको मिलने आया हूँ बाकायदा, मेरी पीसीसी आई हुई थी, मैं इनको जमा करवाने आया हूँ पीसीसी, और आपको देख के मैं आई एम रियली शॉक्ड, लाइक आप लोग अब क्या करोगे? आई डोंट हैव एनी ऑप्शन, व्हाट टू डू, क्या कर सकते हैं बताइए आप, इनसे मुलाकात तो करेंगे, फ़ोन तो मेरा उठा नहीं रही है, सुबह से कॉल कर रहा हूँ मैं इनको। आप यहाँ पर दफ्तर में किन किस को मिले थे? यहाँ पे जो मेन जो मुझे बताया गया था, यहाँ पे जो मेन ऑफिस मतलब जो मेन ऑफिस होल्डर हैं जिनसे मेरी बात हुई थी वीज़ा को लेके, वो थे ब्रजेश मिश्रा। जी जी, जो ब्रजेश, अब मुझे ये नहीं पता वो ऑनर है कि कौन है। तो वो पार्टनरशिप में किसी के साथ है ट्रैवल एजेंसी, उनका कोई पार्टनर राहुल मिश्रा करके कुछ है, जी जी, दो पार्टनर्स हैं जो जहाँ तक मुझे पता। कितनी पेमेंट आपने दी है? 1 लाख। 1 लाख कैश दिया या अकाउंट में? मैंने कैश दिया इनको। आपको कितनी देर पे करी थी मैंने? कितनी देर बोला था हमें, कितनी देर में आपका वीजा? और सर एक्चुअली मैं सही बताऊं, ऑनेस्टली मेरी फाइल लगी थी अगस्त में। जी राइट, अगस्त में इन्होंने मुझे बोला था 19 अगस्त को कि हम तुम्हारी फाइल लॉन्च कर दी है हमने, एंड जो उसके बाद इन्होंने मुझे बोला था कि आप यू हैव टू वेट टिल 6 to 7 months, 485 वीजा था मेरा ऑस्ट्रेलिया का, तो उसके लिए वैसे टाइमिंग इतनी रहती है। कहाँ कौन सी कंट्री में जाना था आपने? ऑस्ट्रेलिया। आप जहाँ से मैं इनके आ गए, आपसे इन्होंने 1 लाख रुपया वसूल किया, अब ये आपका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, अब आप क्या करें? अब आप क्या देखते हैं, अब जिस बंदे ने रेफरेंस किया पहले उनको मिलेंगे जिन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा है, बिकॉज मैं अमृतसर से हूँ बेसिकली, जलंधर मेरी सिटी नहीं है। आप मेरा नंबर दो, इनका नंबर था, उन्होंने रेफर किया था, इनका नंबर दो जो ये।